देश आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल के द्रास पहुंचकर इस जंग में शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने करगिल वॉर मेमोरियल का भी दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1999 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को याद करते हुए पाकिस्तान पर वो जमकर बरसे और जमकर निशाना साधा। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भले ही करगिल युद्ध को 25 साल हो चुके हैं और आज हम रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन जब भी उन वीर सपूतों को याद करते हैं तो आंखें नम और सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी में हमारे एक शहीद जो थे विक्रम बत्रा, जिनकी लाइन ये दिल मांगे मोर, आज भी जब कहीं ये लाइन सुनते हैं तो विक्रम बत्रा की तस्वीर हमारे जहन में उभर आती है। 25 साल होने के बाद विक्रम बत्रा के पिता का क्या कुछ कहना है, हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सर, माय फर्स्ट मैसेज इज दैट आवर यूथ दे शुड हैव द सोशल कॉन्शियसनेस, द नेशनल कॉन्शियसनेस, एंड दे शुड नॉट शर्क फ्रॉम गोइंग जॉइनिंग टू द आर्मी। आई वी हैव सीन दैट सम ऑफ द यूथ दे डोंट वांट टू गो इनटू द आर्मी, बट आई शैल लाइक टू टेल देम दैट देयर इज अ बेस्ट कैरियर। इफ यू कम बैक आफ्टर द वार यू विल एंजॉय द स्टेटस ऑफ the high status of the army, and if you will be martyred, then no death can be better than this death. This is one of the best deaths. There is a great cause in that. If somebody dies in the battlefield, I think that is one of the great cause. His narrations are quite enough to inspire our youth. Saying this that either I will hoist the flag or I will come wrapped in the flag is not a joke. And to select ye dil mange more success signal is something very high. When he told us from the 5140 that he has recaptured our peak, that was the happiest moment of my life and my chest was swelling. और पूरा देश आज जहां करगिल विजय दिवस मना रहा है, हमारे शहीद जवानों को याद किया जा रहा है, वहीं एक ऐसे भी शख्स हैं जिन्होंने सेना को सबसे पहले पाक घुसपैठियों के बारे में जानकारी दी। वो सेना में किसी पद पर नहीं थे,
बल्कि वो कारगिल इलाके के गोरखुन गांव के रहने वाले थे। वो कोई और नहीं बल्कि शेरपा ताशी नामग्याल हैं, जो कारगिल में सेना को दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देने वाले पहले शख्स थे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लद्दाख के छोटे से गांव गारकॉन में रहने वाले ताशी नामग्याल के जहन में आज भी कारगिल युद्ध की यादें ताजा हैं। 56 साल के ताशी अक्सर अपने दोस्तों के साथ 25 साल पहले की बातें करते रहते हैं। दरअसल ताशी नामग्याल वही शख्स हैं जिन्होंने अपने याक की तलाश करते वक्त कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा था। ताशी ने घुसपैठियों को पहाड़ के ऊंचे इलाकों से चट्टाने तोड़ते और बर्फ हटाते देखा। उन्हें देखते ही ताशी को खतरे का अंदेशा हो गया, क्योंकि जहां उन्होंने घुसपैठियों को देखा था वहीं उनकी तरफ पैरों के निशान नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि घुसपैठिए सीमा पार से आए थे। 1999 के बाद ऐसा है, 1992 में तो एक हमारा यक गुम हुआ था, तो मैं यक को ढूंढने गया था, तो हमारे इस गरखोन नाले में तो यक को ढूंढने के लिए गया, तो मैं उसका पैर के निशाने से गया मैं, तो ऊपर हमें खबरारू पूछा, मैं खबरारू से मैं दाएं सर में थोड़ा ऊपर पहुंचा तो मेरे पास बिनोकुलर था, तो मैंने देखने से फिर ऊपर तो पूरा बर्फ था, तो मैं नीचे से हरियाली घास निकला हुआ था, तो बंजू टोप है हमारे देवी देवताओं को मनने का, तो वहां कोई 6 बंदे नजर आए मेरे को, बर्फ भर रहा था, पत्थर डोल रहा था, तो मैं हैरान हो गया। वहां कुछ 5-10 मिनट रुका, मैंने देखा तो वही हरकत कर रहा था, पत्थर डोल रहा था, बर्फ भर रहा था, तो फिर मैं 5-10 मिनट में फिर वापस आ गया मैं। जब ताशी ने इसकी खबर सेना को दी तो किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। चौकी पर मौजूद सैनिकों ने ताशी को शाम को दोबारा बुलाया। काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था, कोई काले रंग का तो सोचा पता नहीं कौन आया हुआ क्या है। मैंने रिपोर्ट आर्मी के लोग दे दिया, आप जान पहचान पहचान करना आपके फर्ज है, वहाँ कुछ हरकत तो कर रहे हैं बोल के मैंने रिपोर्ट दे दिया। 8 दिन के बाद लड़ाई शुरू हो गया, मैंने रिपोर्ट देने के बाद 8 दिन में लड़ाई शुरू हो गया। पहले पाकिस्तान वाले ने फोर फेर किया, देसाई साहब था, एडजुटेंट देसाई साहब था, तो इनको पूरा आगे सबने फिर पूरा पाकिस्तान का एल्टी फेर करके गिरे में डाला हमारा इंडियन आर्मी को। फिर हमारा फौज बढ़ते रहा, बहुत फौज आ गया हमारा, भगवान की मेहरबानी से, नहीं तो हम जीने वाला नहीं था, भगवान की मेहरबानी से तो फिर जीता हमारे इंडियन आर्मी ने, जीत हासिल करके दुश्मनों को पीछे भगा दिया। ताशी अपने रिश्तेदार नॉर्फिल के साथ घुसपैठ की खबर देने के लिए सेना की चौकी पर गए थे। नॉर्फिल का मानना है कि अगर ताशी ने समय रहते ही पाकिस्तानी घुसपैठियों की सूचना भारतीय सेना को नहीं दी होती तो घुसपैठी अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते। ताशी ने वहाँ से बताया, तब बताने को हम इधर होके कॉन्फ्रेंस होके बटालिक गया। बटालिक जाने के बाद हमने फौजी को रिपोर्ट दोनों ने जाके किया वहाँ। ये बताइए कि आपको क्या लगता है अगर ताशी नहीं होता तो क्या होता? तो ताशी नहीं होता तो ये पता ही नहीं होता किसी को कौन जाएगा उस पहाड़ में। इसलिए तो है ना, जब वो बेल लेने गया तो बेल भी नहीं मिला, बेल भी वो लेके खाया होगा, तब वापसी में आदमी देखा उसी में, तब उन्होंने बताया यहाँ। ताशी नामग्याल की माने तो उनकी कोशिशों की बदौलत ही भारतीय सेना को। तो ये स्पेशल पैकेज हमने आपको दिखाया और अब आपसे मिलवाते हैं ताशी नामग्याल जी, जो खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ताशी नामग्याल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिरर नाउ पर आने के लिए। 25 साल के बाद देखिए एक बार फिर से वो जो यादें हैं वो ताजा करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपका स्वागत है मिरर नाउ पर। आप जुड़े हमारे साथ, मई 1999 में क्या कुछ हुआ 99 में, और एक लंबा अरसा बीता, हालांकि कैसे आपको शक हुआ, एक बार फिर से उसी किस्से को हम सुनना चाहेंगे जिसने हमारे आर्मी की सेना की इतनी बड़ी मदद की और बाद में हमें जो विजय है वो हासिल हुई। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है?
जी जी आपका आवाज आ रही है ताशी जी, आपको आवाज पहुंच रही है? जी जी आपको सवाल सुनाई दिया या मैं दोहराऊं? हाँ जी, मेरा सवाल आपको सुनाई दिया सर या मैं अपना सवाल दोहराऊं? जी जी सवाल को दोहराइए। जी बिल्कुल, मैं आपसे एक बार फिर से पूछ लेती हूँ। तो ताशी नामग्याल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, ये वही शख्स हैं जिन्होंने पहली बार पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में जो जानकारी है वो हमारे सेना के जवान को दी। तो ताशी जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि उस वक्त मई 1999 में क्या कुछ हुआ, वो किस्सा एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे। जी नमस्ते मैडम। जी सर। हेलो। जी जी, तो जो हमारा यक गुम हुआ था तो यक को ढूंढने के लिए गया था मैडम जी, मैं यक को ढूंढने गया तो मैं घर को नाले में गया तो ऊपर पेरकने से ऊपर ऊपर गया तो ऊपर तो रखा बरार में पूछा मैं हमारा सीजन में बकरी रखने की जगह है तो वहां से थोड़ा तरफ ऊपर चढ़ के मैंने देखा तो पूरा ऊपर टॉप में तो पूरा बर्फ बर्फ था, पूरा नीचे तो पूरा हरियाली घास निकला हुआ था, बर्फ के बीच में से कोई पैर का निशाना देखा मेरे को। तो मेरे पास बिनोकुलर था, बिनोकुलर मेरे सर पैर में लिखा हुआ है। तो हमने देखते देखते गया तो फिर हमारा बंजू टॉप में छह बंदा नजर आया मेरे को, तो बर्फ भर रहा था, पत्थर ढूंढ रहा था। फिर उस वक्त में हैरान हो गया, पांच दस मिनट मैंने देखता बैठा हुआ ही, फिर मैं फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने वहां हमारा गरखोन ब्रिज में चार पांच जवान रहता था थ्री पंजाब का, तो इनको हवलदार बलविंदर सिंह को मैंने रिपोर्ट दे दिया, सर मैं यक को ढूंढने के लिए गया था, कुछ वहां हरकत कर रहे, छानबीन करना आपका फर्ज है, बोल के मैंने रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट देने के बाद आठ दिन में लड़ाई शुरू हो गई मैडम जी। तो पहले पाकिस्तान वालों ने अल्टीफेट किया तो हमारे जवानों को पूरा गिरे में डाल दिया उन्होंने, पहले अल्टीफेट करके हमारे थे पंजाब का एडजुटेंट दिसाई साहब था, तो हम लोग बहुत आदमी था, 30-35 बंदे थे, सबको गिरे में डाल दिया उन्होंने। फिर आठ दिन के बाद लड़ाई शुरू हो गई मैडम जी। जी बिल्कुल जी जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बड़ी बहादुरी का काम था उस वक्त, क्योंकि गांव में पूरे परिवार के साथ रहना, और टाइम की बात करें, समय की बात करें तो आज का समय भी नहीं था, 25 साल पहले समय भी कुछ और था, तो क्या आपको डर नहीं लगा जब आप सेना से ये बात कहने गए? तो हमारा सेना के बीच में मैं भी रहता था ना, सेना हमारा फौज इंडियन आर्मी ने थोड़ा ध्यान दे रहा है तो इन्होंने मेरे को थोड़ा राशन भी दे रहा है, तनख्वाह भी थोड़ा एक भी दे रहा है, तो इनका मेहरबानी से अभी तो मेरे को तो खुश कर रहा है, मगर मेरे अवार्ड के लिए आगे कर मेरे मेहरबानी करके अवार्ड मिलने का हक था मेरे को। जी बिल्कुल, तो आप ये कह रहे कि सेना द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया और जिस तरीके से खबरें सामने आई उस वक्त आपको आर्थिक मदद भी दिलाई गई, और अगर फैमिली के लिए बात की जाए तो क्या फैमिली के लिए भी कुछ सरकार द्वारा या फिर आर्मी द्वारा आपको मदद पहुंचाई गई? जी 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 कौन जी जी मैडम जी। तो ये ताशी नामग्याल, आपको बता दें, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, भले ही टेक्निकल तौर पे अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से उनका ये जो इंटरव्यू है
वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, लेकिन काम जो इन्होंने किया है आपको बता दें बहादुरी का काम किया। 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, ये पहले शख्स थे आपको बता दें जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सेना के जवान में जाकर ये बताया कि कुछ अलग से लोग हैं जो कि ना गांव के लोग हैं और ना ही सेना से जुड़े लोग हैं। तो जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे जो कि अपनी नापाक कोशिश करके हमला करना चाह रहे थे भारतीय सेना पर, आपको बता दें उसके लिए उन्होंने भारतीय सेना को उसके बारे में पूरी बारीकी से जानकारी दी। तो ताशी नामग्याल की हिम्मत और सूझबूझ के लिए हमेशा लोग इनको याद रखेंगे। और मेरा नाव के सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से भी हम इन्हें बधाई और धन्यवाद भी देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो